हमें ये अभी हमने इससे पहले डिस्कस किया था बैंड सॉ में, तो बैंड सॉ में जो लकड़ी तैयार प्लैंक मिलेगा वो आपका ऐसा निकलेगा, इससे बैंड सॉ से हमने काटा था वो ऐसा निकलेगा, लेकिन ये बिकॉज ये काफ़ी स्पीड से कटा है लेकिन ये आपको स्मूथ सरफेस नहीं है, इसमें किसी ऑब्जेक्ट बनाने के लिए स्मूथ सरफेस की जरूरत है, तो प्लानिंग का काम है, दैट वर्क विल कैरी आउट बाई द वुड प्लानर मशीन, दिस मशीन इज कॉल्ड वुड प्लानिंग मशीन, लकड़ी को प्लान करने वाली मशीन, आयरन को भी प्लान करने वाली होती है, प्लानर बोलते हैं, लेकिन लकड़ी को प्लान करना वुड प्लानिंग मशीन बोलते हैं, लकड़ी को प्लान करने वाली, ठीक है। तो ये मशीन के पार्ट्स आप देख सकते हैं, ये प्लेटफॉर्म है जहाँ आप लकड़ी को रखते हैं, ये यहाँ पर कटर है जो घूमता है, बेटा घुमाना थोड़ा, हाँ ये तेजी से घूमेगा और लकड़ी को छीलेगा, रुक जाना थोड़ा सा, रोकना एक जगह, बैक करना, बस घुमाना नहीं अभी, और थोड़ा आगे बढ़ाओ, यहाँ पे ये आप देख रहे हैं, ये कटिंग एज है, यहाँ पर यही है, ये लकड़ी को छीलेगी, चली नहीं है मशीन इसलिए थोड़ा सा है, जब ये तेजी से घूमती है तो ये लकड़ी को छीलेगी, ये लगातार घूमेगी और ये प्लैंक के हम इसको इसके अंदर से घुसाएंगे तो लगातार घूम रही है, इसको पूरा प्लान करते हुए निकाल देंगे, ये इसके सपोर्टिंग है, आप ये देखिए ये प्लैंक के ऊपर उचके नहीं, इसलिए ये इसको खोल के आप इसकी ऊंचाई जैसे इधर आ जाए, ये प्लैंक की कितनी मोटाई है वो आप एडजस्ट कर सकते हैं, इससे यहाँ ढीला करके इसको अप डाउन कर सकते हैं, तो जब ये कटर चलता है तो प्लैंक ऊपर नहीं भागे, तो इसको आप सेट कर सकती हैं, दो जगह से इसको दबा के रखिएगा ये, और अगर इससे भी मोटा प्लैंक है तो आप इसको निकाल सकते हैं, इसको निकाल देंगे, इससे आप सेट कर सकते हैं, इससे भी प्लैंक दबा रहता है, ये आप देख रहे हैं ये स्प्रिंग की तरह काम करता है, इसको दबा के रखते हैं जो वाइब्रेशन है उसमें ऊपर उठेगा नहीं, ठीक है, और इनको दोनों में भी यूज कर सकते हैं, आपने ये भी लगाया है ये भी वाइब्रेशन आ रहे हैं तो इसको भी गीला करके नीचे कर सकते हैं, जिसका ये प्रेशर मेंटेन करके रखते हैं, आपको हाथ से दबाने की जरूरत नहीं, इसी से दबते हैं। नाउ दिस थिंग, ये स्लाइड है, ये आप यहाँ से लूज करके, आप देखें यहाँ से लूज करके इसको ये प्लेटफॉर्म पर कम और ज़्यादा कर सकते हैं, जिससे कि इसे टच करके ही आपको लगाना है, जिससे इक्वल हो जाए, ऐसे चलाते हैं इसको, ये बहुत ही सुपरफाइन सरफेस है, हार्डन्ड स्टील का है ये प्लेटफॉर्म भी एकदम हार्डन्ड स्टील का है जो जल्दी घिसता नहीं है, तो ये आप सपोर्ट आप देख रहे हैं, सपोर्ट को आप कम ज़्यादा कर सकते हैं, ठीक है, और लगा दीजिए, ये प्लैंक की हाइट के हिसाब से आप इसको सेट करते हैं, पोसी की हाइट के हिसाब से आप इसको ऊपर नीचे कर सकते हैं, इसके ऊपर प्रेशर रहे, ठीक है, फिर मैनुअली आपको इसको धक्का देना होता है, ये ऑटोमेटिकली नहीं है, ये आपको मैनुअली धक्का देना है, और इधर ये कटर चलता रहेगा तेजी से, तो ये लकड़ी काटता जाएगा, आप मैनुअली धक्का देते जाएंगे, ये आगे सरकता जाएगा और ये सरफेस को नीचे जो सरफेस है इसको पूरी तरह स्मूथ कर देगा, कटिंग एक्शन दिखा दो बटेगा, सर ये जाएगा नहीं, थोड़ा है पतला वाला उसमें लकड़ी ले लो, वो रखिए सरफेस है, तो ये इसको सही करने के लिए ये ज़्यादा अच्छा काम नहीं करेगी, असल में बहुत सारा मटेरियल इसका वेस्ट हो जाएगा, बहुत ही कर्वेचर है इसमें, कर्वेचर नहीं ज़्यादा होना चाहिए, कम कर्वेचर होगा तो एक्स्ट्रा मटेरियल को हटा देंगे, इसमें ज़्यादा तो कट के निकल ही जाएगी, थोड़ा सीधी वाली को ऐसे इसके सब किनारे रख के ही सरकाते हैं, ऐसे नहीं यहाँ से नहीं करना, इसके गाइड के किनारे, गाइड है गाइड के किनारे करना है, इसको ऐसे सरकाते जाएंगे और ये चल रहा है, हाँ ये अक्सर आप देखें, हाँ नहीं सही पहुँच इस तरह से, ये कार्यक्रम से चला रही इस तरह से, इसको छोड़ छोड़ समझा नहीं क्या कखना, आप घुमा थोड़ा घुमा ऐसे ही सरका जाएगा और इसको आगे सरकाते जाएंगे, ये देखिए ये दवा नहीं है तो ये वाइब्रेट कर रहा है, इसीलिए इसको दबाने की जरूरत है, ये है ना, इसको सेट कर देंगे तो ये ऊपर थोड़ा प्रेशर रखेगा, तो इस तरीके समझने के लिए काफ़ी है, तो अब ये देखिए ये स्मूथ करने की कोशिश की है, हल्का से स्मूथ हुआ है, हालांकि ज़्यादा दबाव हुआ नहीं, प्रॉपर स्पीड से चलेगा, सुपर फाइन सरफेस चीज है, उसको नहीं उठाना, वो नहीं उठेगा,
वो ब्लेड है, वो हेडसेट है, हालांकि वो ही एडजस्ट हो सकती है, कोई दिक्कत नहीं है। आप इसको उठाइए, उसको ज़्यादा करते हैं उतनी ज़्यादा कटिंग मोटी से मोटी ब्लेड आ जाएगा, इसको ऊपर यहाँ से कर देंगे ऊपर आ जाएगा, और इसको भी कम ज़्यादा कर सकते हैं, ये घूम जाएगा, ये सब घूम जाएगा और ये इधर उधर भी जा सकता है, ठीक है। तो ये क्या है, वुड लेदर, ठीक है, समझ में आया। इस तरह से आपको क्या है, जो आपने लकड़ी सीजनिंग करके तैयार करके लेके आए थे उसको बेंड सॉ पे आपने काटा, काट के जो प्लैंक मिला उसको आपने इसमें स्मूथ किया, स्मूथ करने के बाद फिर आप और जॉब बना सकते हैं, ठीक है।